आज सीन कुछ ऐसा है, मतलब बहुत सारी मेहनत के बाद अपना सिस्टम कुछ ऐसा सा हो गया है और आज अपन बात करने वाले हैं सैमसंग 18mm 2.8 जो हाल ही में तुम्हारे भाई ने एक नया लेंस लिया है। हेलो जी, नमस्ते, राम राम, क्या हाल चाल आप सबके। स्वागत है आपका अपनी एक और नई वीडियो में। और भाई, तुम्हारे भाई ने आखिरकार एक वाइड एंगल लेंस ले लिया है और अभी ये सही है गलत है कैसा है इसका तो मेरे को आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने एक बार बीच में यूज करा था कि 18mm ऐसे अच्छा खासा वाइड होता है, अपन इसमें व्लॉगिंग वगैरह बहुत वाइड शूट भी अपन इसमें आसानी से कर सकते हैं। और सबसे पहले आप ये क्लिप देखो, उसके बाद अपन बात करते हैं। यह है अपना लेंस सैमसंग का 18mm अपर्चर इसका 2.8। यह लेने का रीज़न ये है, थर्ड पार्टी लेंस अपन ने क्यों लिया, सबसे पहले तो चीज़ ये बताता हूँ, यह है बजट फ्रेंडली, ठीक है। इसका पैसा मतलब क्वालिटी अकॉर्डिंग या सोनी सीरीज में आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा बहुत महंगे लेंस आते हैं सारे। और मैंने वाइड एंगल और भी लेंस देखे थे, 16mm था सिग्मा का था और 11mm था सोनी का, लेकिन वो थोड़ा महंगा था। सबसे बड़ा इशू इनमें यह आ रहा था कि सारे के सारे क्रॉप सेंसर थे, मेन दिक्कत ये थी। अब क्रॉप सेंसर अपन ले, अपना कैमरा है फुल फ्रेम। अब आपको पता होगा मैं ये चीज़ें क्यों ले रहा हूँ, मैंने कैमरा क्यों लिया है, मैंने ये वाइड एंगल लेंस क्यों लिया है, मैंने माइक क्यों लिया है। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा अपन ने माइक भी ले लिया है, ACM V10, वो भी मैंने क्यों लिया है आप सबको बताया क्यों लिया है, क्योंकि मेरे को एक व्लॉगिंग सेटअप तैयार करना है जिससे कि अपन एक बहुत प्रो लेवल एक अच्छी खासी वीडियो अपन बना सके। डजंट मैटर व्यूज, अभी अपन उन चीज़ों पर गौर नहीं कर रहे, अपना काम अपना ध्यान है ओनली कॉन्टेंट पे और अपनी चीज़ को इम्प्रूव करना, क्वालिटी हो गई या वीडियो हो गई जो भी है, ठीक है। ये फिर मैंने लिया सैमसंग का, बहुत ही प्यारा सा लेंस है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये बहुत लाइट वेट है, जैसे कि सोनी का 11mm आता है 1.8 उतना ही लाइट है, उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा वेट होगा इसका। प्रॉपरली वेट आई थिंक मेरे को याद नहीं है, 150 ग्राम के लगभग होगा या जो भी ऊपर नीचे होगा, वेट का क्या करना है, जो भी है जो ये है, अपन वेट ना तो कम कर सकते हैं ना ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है इस बजट में मैंने ये मंगवाया है 28,399 रुपये का मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, और ऑफलाइन भी शायद इसी रेंज में था, ये कोई खास फ़र्क मेरे को दिखा नहीं था, वरना अपन ऑफलाइन ले आते। बाकी EMI पे तो अपनी चीज़ आई नहीं है, कर्जा करके लेके आ रहा हूँ सारी चीज़ें, और आपको बहुत अच्छे से बताया अपने YouTube से इनकम भी नहीं है कोई खास, या है ही नहीं ऐसे मानो आप, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तुम्हारे भाई ने लगभग फ़ोन से 120 व्लॉग अपन ने बना लिए हैं, तो अब आइडिया है अपना कैमरे का। ऐसा नहीं है कि भाई अपन को तो व्यूज थी इसलिए कैमरे से, ऐसा कुछ नहीं है, आपको मेहनत बहुत लगातार करनी पड़ेगी, उसके बाद व्यूज़ आएंगे नहीं आएंगे। देखो सबसे पहली चीज़ ये है, मेरे को वीडियोस बनाने में आता है मज़ा, ठीक है, क्वालिटी इंप्रूव करने का मेन कारण यही है, व्यूज़ के लिए नहीं, मेरे को मज़ा आता है। और मेरे को पसंद ही जब वीडियो शूट करना वीडियो एडिट करना है, तो भाई अपनी पसंद को बरकरार रखने के लिए, अपनी पसंद को और इम्प्रूव करने के लिए अपन को इक्विपमेंट हमेशा अपग्रेड करने पड़ेंगे। कुछ छोटे छोटे शौक मार के अपन को छोटे छोटे या बड़े बड़े इम्प्रूवमेंट अपन कर सकते हैं, और इसलिए तुम्हारे भाई ने ये लेंस लिया है। और आने वाले ब्लॉग्स में कोशिश करूँगा, अभी तक ट्राईपोड वगैरह ये लेना बाकी है, वो आ जाए उसके बाद अपने ब्लॉग आई होप भगवान की कृपा से आपकी कृपा से कैमरे से आएंगे, और क्वालिटी तो बहुत ही प्रो लेवल आने वाली है, बहुत ज़्यादा प्रो तो नहीं लेकिन कंपेरिजन में बहुत अच्छी आने वाली है। और अगर किसी को पता हो इस लेंस के बारे में तो बताना यार कितना वर्कफुल है कितना नहीं है। मैंने मेरे दोस्त का लेंस यूज करके देखा था 4-5 दिन, तब मेरे को कंफर्म हुआ कि नहीं यार अपन ये ले सकते हैं, क्योंकि सोनी सीरीज में 50,000 से नीचे लेंस नहीं है वाइड एंगल, नहीं मिला मेरे को, ठीक है। अगर आपको पता होता मेरे को बता सकते हो, तो अपना तो इतना बजट ही नहीं था, बजट था अपना 30-35 हज़ार में, इस लेंस के अलावा मेरे को अच्छा खासा लेंस मिला नहीं था। और इसकी बहुत अच्छी खासी सिग्मा की इससे भी अच्छी होती है, लेकिन सिग्मा में वाइड एंगल एक फुल फ्रेम लेंस मेरे को मिला नहीं था, क्रॉप सेंसर थे, अपने पास फुल फ्रेम कैमरा है। तो भाई इस चक्कर में तुम्हारे भाई ने ये लेंस लिया है, और क्वालिटी वगैरह आपको आने वाले व्लॉग्स में दिखती रहेगी, मैंने देखा है बहुत अच्छी है, बाकी आपको भी मैं दिखाता रहूँगा।
और आज के वीडियो मेन तो रीजन यही था इसका बनाने का, क्योंकि तुम्हारे भाई ने नया लेंस ले लिया, ये बहुत खुशी की बात है। मेरे को तो इतना सारा खुश हूँ, मैं इतना सारा खुश हूँ कि क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। मेरे चेहरे पे आपको दिख नहीं रही होगी खुशी, वो इसलिए नहीं दिख रही होगी क्योंकि चेहरे पे खुशी नहीं दिखती, काम से इंसान की खुशी दिखते, जो आने वाले लोग में आपको दिखेगी एक इम्प्रूवमेंट जो आपको दिखेगा। एक बार तो आप भी सोचोगे कि यार क्या बात है, मतलब कि कर दिया कमाल, ऐसा कुछ आपको लगेगा देखने को। और इस लेंस का फोकस भी बहुत अच्छा है, ऑटो फोकस इसमें आता है और बहुत अच्छा खासा फोकस भी करता है, इतना फोकस आउट में नहीं होता। क्या पता प्रॉब्लम्स तो तब पता चलेगी जब अपन इसको रेगुलर यूज़ में लेंगे, ठीक है। मैंने तो यूट्यूब पर इसके रिव्यू देखे हैं, उससे मैं लेके आया हूँ। मेरे यार भाई लोगों के पास ऐसा कुछ है नहीं, ना मेरे ऐसे यार दोस्त है कि वो भी ये चीज़ें करते होंगे, इसलिए मैं हर एक चीज़ यूट्यूब पर देख के लेता हूँ। यूट्यूब पर मैंने रिव्यू देखे हैं, बहुत सारी वीडियोज़ देखे, उसमें मेरे को इतने खास इसमें डिसएडवांटेज लगे नहीं कि मैं ये लूँ ना। मैंने एक ही चीज़ देखी है कि पैसों के अकॉर्डिंग चीज़ आनी चाहिए, वो ये है। तो आने वाले ब्लॉग्स में अपन ये चीज़ यूज करने वाले हैं। और रही बातें और इम्प्रूवमेंट या और अपग्रेड करने की, तो भाई आपको पता है मैं तो चीज़ें अपग्रेड करता ही रहूँगा इन फ्यूचर। अपन और भी इन फ्यूचर यार बजट आ जाएगा तो अपन ले आएंगे, उसमें क्या है। अभी तुम्हारा भाई, तुमको पता है, वीडियो शूट करता है, एडिट करता है, बस उसमें खुश है। तो उस चीज़ों के लिए उन पैसों से अपन ये चीज़ें लेके आ रहे हैं, ना कोई अपने पास पैसों के खाना है, ना अपन ने ज़मीन वमीन बेची है फिलहाल, ठीक है। तो इस चक्कर में अपन यही चीज़ें लेके आ रहे हैं, अपनी मेहनत की कमाई से लेके आ रहे हैं, ठीक है। मेहनत की कमाई से तुम्हारे भाई ने खुद का रूम तैयार किया है, मेहनत की कमाई से तुम्हारा भाई हर एक इक्विपमेंट लेके आ रहा है, माइक सोनी ECM-B10 आई गया है, जो आपको मैंने पहले वाले ब्लॉग्स में बता दिया था। जो मेन मोटा खर्चा था तो वो तो तुम्हारे भाई ने कर दिया है, अपने मोटे खर्चे बाकी है जो अपन मैनेज कर लेंगे। जब मोटे खर्चे अपन ने मैनेज कर लिए तो छोटे मोटे तो अपन मैनेज इजीली कर ही लेंगे। तो भाई अगर किसी भी भाई को ज़्यादा और भी ज़्यादा नॉलेज हो कि मेरे को ये लेंस ना लेके कुछ दूसरा कोई दूसरा लेंस लेना चाहिए था, वो इससे भी अच्छा था या इससे भी अच्छा बजट था, थोड़ा बहुत 10-15-20 हज़ार ऊपर नीचे भी हो आपके दिमाग में कि वो बहुत ज़्यादा बेटर था, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। क्या बताए इन फ्यूचर अपन अपग्रेड होए 1-1.5 साल बाद में, तब अपन वो ले लेंगे, या 2-3 महीने बाद में, या क्या बता बहुत जल्दी अपन ले लें। तो आप ज़रूर बताना, आपकी राय जरूर करना। बाकी कोई मेरा जैसा भाई है जो थोड़ा बजट के अंदर कोई चीज़ देखना चाहता है या वाइड एंगल बजट के अंदर लेना चाहता है, तो इस लेंस के साथ वो आराम से जा सकता है, अपना कंटेंट आराम से शूट कर सकता है। बहुत अच्छी खासी इसकी क्वालिटी है और क्वालिटी बहुत अच्छी है, पैसे भी बहुत ही अच्छे हैं, कम तो है नहीं, ना ही ज़्यादा है। और आज की वीडियो स्पेशली अपन इसीलिए बनाए थे, बाकी दिल के अंदर चीज़ थी कि तुम्हारा भाई लेके आया था, मैं सोचा यार अपडेट देते रहें यार क्या बता, क्योंकि मैं कैमरे वैमरे लेके आया था, मैंने कोई अपडेट नहीं दिया था, कोई ब्लॉग नहीं बनाया मैंने उस चीज़ का। उसके बाद तो मैं हर एक चीज़ का व्लॉग हर एक चीज़ आपको बताता रहता ही हूँ। बाकी आज के इस वीडियो का ये एंड करते हैं, ओके, ख्याल रखना अपना, राम राम।